नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सर्किट हाउस में शुक्रवार दोपहर पार्टी की ओर से नियुक्त निकाय चुनाव प्रभारियों ने तैयारियां परखी। सपा सचेतक दल के नेता व ऊंचाहार रायबरेली के विधायक मनोज पांडे, भदोई के विधायक जाहिद बेग और रानीगंज प्रतापगढ़ के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा की। कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया गया और कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी। मनोज पांडे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बैठक में MLC आशुतोष सिन्हा, पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी, जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, विष्णु शर्मा, पूजा यादव, OP सिंह, हारून अंसारी, धनंजय यादव, प्रदीप जायसवाल, दीप चंद्र गुप्ता, अली शेर खान समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में सामान्य निकाय चुनाव नवम्बर में अपेक्षित हैं, ड्यू भी हैं। उसी निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव वाराणसी को लेकर के आज ये बैठक हमारे जो समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं और पूर्व पार्षद हैं उनकी ये बैठक आज यहाँ आयोजित की गई थी। इसमें तमाम विषयों पर पार्टी ने चर्चा किया है और पार्टी इस लक्ष्य के साथ वाराणसी नगर निगम में काम करेगी कि पूर्व में 39 पार्षद समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन जो उत्साह है और पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसमें हम समाजवादी पार्टी सभी पार्षद की सीटों पर लड़ेंगे ही नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा सीटें आने वाले दिनों में नगर निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीतेंगी और मेयर भी हमारा ही जीतेगा।